हेलो क्लास, दिस इज योर जीए टीचर। कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होंगी। सो देखिए, अभी जो हमारा ये जो सेशन रहेगा, ये भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड सेशन रहेगा, जिसमें जो है इस बार के मैंने कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड लिए हैं। एज यू नो कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट है, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट है, वो मैंने आपको काफी हद तक क्लियर करा दिया है ना। इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल पार्ट है वो मैंने आपको काफी हद तक क्लियर करा दिया है। तो अभी जो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ कुछ इसी से रिलेटेड ही रहेंगे, इसी को ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, क्लियर? बिकॉज जो है इससे आपके रिवीजन हो जाएगी, रिकैप्चुलेशन हो जाएगा और बेनिफिट मिलेगा। सो द क्वेश्चन नंबर वन इज, इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी? कर्जन, मैकॉले, डलहौजी या बेंटिक? तो देखिए, इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? मैकॉले को। किसको जाता है? मैकॉले को, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मैकॉले, ठीक है? मैकॉले ने एक्चुअली मैकॉले ने क्या किया था? मैकॉले मिनट्स आया था। मैकॉले मिनट्स यानी उसने ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, ठीक है? और वो मिनट्स कब आया था? 1835 में, जिसमें इसने ये कहा था कि इंडियन को अगर इंडियन डेवलपमेंट करना है, इंडियन डेवलपमेंट करना है, तो उन्होंने कहा था कि जो इंडियन डेवलपमेंट है ये पॉसिबल कब है? इन इंग्लिश ओनली, पॉसिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो है क्या हो सकता है, इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है। ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, मैकॉले मिनट में, दैट इज 1835। कब आया था ये? 1835 में आया था, ठीक है? और इसके अलावा जो है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following institution was not founded by Mahatma Gandhi? इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है महात्मा गांधी ने फाउंड नहीं किया था? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, विश्व भारती या फनिक्स आश्रम? तो देखिए, इसमें से जो नहीं किया था वो था विश्व भारती। क्या था? विश्व भारती। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ये विश्व भारती है ये क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। विश्व भारती क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। कैसी है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है ये? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है? और ये फाउंड किसने की थी? इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किसने फाउंड की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड की थी, ठीक है? और इन्होंने ही इसको क्या बोला था? विश्व भारती। विश्व भारती का मतलब क्या होता है, ठीक है? कम्युनियन, कम्युनियन ऑफ वर्ल्ड, कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, कि इंडिया का जो है वर्ल्ड के साथ क्या होना चाहिए? यूनियन होना चाहिए विद इंडिया, क्लियर? इसी पर्पज से इन्होंने ये यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, ठीक है? शांति निकेतन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको फाइंड आउट किया था, ठीक है? फाइंड आउट नहीं, आई मीन फंड किया था, एस्टैब्लिश किया था, ठीक है? इसके अलावा जो है ये बाकी के तीनों हैं ये महात्मा गांधी ने एस्टैब्लिश किए थे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि महात्मा गांधी ने कब कब एस्टैब्लिश किए थे, क्लियर? ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। चलिए वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर मैं बात करूँ किसकी? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम जो है गांधी जी ने जो है फाउंड किया था 1915 में, ठीक है? सेवाग्राम आश्रम, फिर मैंने क्या बात की है? सेवाग्राम आश्रम, ये किया था 1936 में। और फिर फनिक्स आश्रम, फनिक्स आश्रम, तो फनिक्स आश्रम जो किया था वो किया था 1904 में। और आपको पता होना चाहिए फनिक्स आश्रम कहाँ किया था? ये किया था साउथ अफ्रीका में। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में, क्लियर? सो ये सारी के सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड बातें हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन। कौन से सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी? अलाहाबाद, कैलकटा, सूरत या लाहौर? तो देखिए, अगर मैं बात करूं आईएनसी एस्टैब्लिश कब हुई थी, पहले तो आपको एस्टैब्लिश पता होना चाहिए। तो आईएनसी जो एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है? एस्टैब्लिश हुई थी। फिर ये डिवाइड हो गई थी टू ग्रुप्स में, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ये टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। कब डिवाइड हुई थी ये? 1907 में। कौन से सेशन में? सूरत सेशन में। कौन से सेशन में? सूरत सेशन में, ठीक है? और वो टू ग्रुप्स क्या बन गए थे? वो टू ग्रुप्स बन गए थे एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स,
ठीक है, यानी जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है नरम दल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है, गरम दल। गरम दल के जो है तीन बहुत फेमस नेता हैं, गरम दल सॉरी, लाल बाल पाल, सभी को पता है ये। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। मॉडरेट में आपके कौन आते थे, आपके आते थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, ठीक है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, मॉडरेट्स में आते हैं। बिकॉज ये जो कैसे ब्रिटिशों से अपनी बातें मनवाते थे, प्रार्थना पत्र लिखकर, एप्लीकेशन लिखकर, ठीक है, और ये किस में बात करते थे, ये कहते थे एक्शन होना चाहिए, एक्शन शुड बी देयर, ठीक है, कार्यवाही होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बताना है, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी। तो देखिए, अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोलेगा तो आंसर आपका क्या जाएगा, एनी बेसेंट, क्या जाएगा, एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये आयरिश लेडी है, आयरलैंड की थी ये, ठीक है, ये इंडियन लेडी नहीं थी। तो क्वेश्चन ना अब ये आता है, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा, सरोजनी नायडू, क्या जाएगा, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी थी, 1925 में। इसके अलावा आपको दे रखा है विजय लक्ष्मी पंडित, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित है ये कौन है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेहरू की सिस्टर है पहली बात। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए ये प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली की ये क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। कब बनी थी, 1953 में, कब बनी थी, 1953 में, क्लियर। तो ये सारी की सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है, जस्टिन लेनेडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। देखिए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो ये आपको पता होगा होम रूल लीग से कनेक्टेड है ये, है ना, होम रूल लीग से कनेक्टेड है ये, तो ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, मैडम ब्लावत्स्की, क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मैडम ब्लावत्स्की। देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये कब सेटअप की गई थी, ये सेटअप की गई थी आपकी 17 नवंबर 1875 को, ठीक है। एक तो आपके ब्लावत्स्की ने सेटअप की थी और एक और बंदा भी था, तो कई बार ऑप्शन में ब्लावत्स्की ना देकर क्या दे देगा आपको, कॉलोनल एच एस ऑलकॉट, कॉलोनल नहीं, ये तो कर्नल हुआ नहीं, कॉलोनल नहीं है, कॉलोनल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एच एस ऑलकॉट, एच एस ऑलकॉट। और ये कहां पर की थी इन्होंने, ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क आपका कहां पर है, यूएसए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस टुक प्लेस, देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जो केस है ये कब हुआ था, 25 में, 24 में, 26 में, 27 में। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए जो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस था ये क्या था, एक ट्रेन रोबरी थी, यानी ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज ने ये काम किया था, ठीक है। काकोरी एक जगह का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस नियर लखनऊ, कहां पर है ये, लखनऊ के पास, कहां पर है ये, लखनऊ के पास, ठीक है। और ये कब हुआ था, फर्स्ट सॉरी 9 अगस्त 1925 को, कब हुआ था, 1925 को, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 1925। और ये रोबरी की किसने थी, तो ये रोबरी की थी एचआरए, एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन,
ठीक है। सो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एक्ट जो बाद में एचएसआरए बन गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का नाम ये बन गई थी बाद में एचएसआरए, ठीक है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1617, the British East India Company was given permission by Dash to trade in India. India में trade करने की permission जो है British East India Company को किसने दी थी, तो सभी को पता है किसने दी थी, जहांगीर ने। किसने दी थी, जहांगीर ने। दो पर्सन आए थे, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉ। विलियम हॉकिंस और हॉकिंस और सर थॉमस रॉ, ठीक है, सर थॉमस रॉ। अब सर थॉमस रॉ, तो ये दो बंदे आए थे, फिर परमिशन मिली थी, जहांगीर ने दी थी परमिशन। क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ही हम जो है कोई भी कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, ये कब स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था 1920 में। कब स्टार्ट किया था, 1920 में। आपको पता होना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था, इसके रीजन क्या क्या थे। बहुत सारे रीजन थे। एक तो आपका वो था वर्ल्ड वॉर के बाद, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हमें इंडिपेंडेंस नहीं दी थी, आजादी नहीं दी थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं दी थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एक तो ये था। दूसरा आपका 1919 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, वो। तीसरा था आपका रॉल्ट एक्ट, क्या था, रॉल्ट एक्ट, ठीक है। और चौथा था आपका, आपका जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी होंगी, क्या कि महात्मा गांधी ने जो है, एम के गांधी ने अपने एक टाइटल को छोड़ा था, तो वो टाइटल आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने कौन सी टाइटल को छोड़ा था, केसरे हिंद, कौन सी टाइटल को छोड़ा था, केसरे हिंद, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके टैगोर जी ने भी एक टाइटल को छोड़ दिया था, और उस टाइटल का नाम क्या है, नाइटहुड, क्या है उस टाइटल का नाम, नाइटहुड, जिसको सर भी कहा जाता है। क्लियर। सो ये सारी की सारी आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, बंगाल गजट, बॉम्बे गजट, बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन किया जाएगा तो बंगाल गजट इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, बंगाल गजट। बंगाल गजट को कुछ और भी कहा जाता है, इसे हिक्कीस गजट भी कहा जाता है, हिक्कीस बंगाल गजट, क्या कहा जाता है, हिक्कीस बंगाल गजट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। और ये जो है एक क्या था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, कैसा न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। ये कहां से पब्लिश हुआ था, कोलकाता से, कहां से पब्लिश हुआ था, कोलकाता से पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब पब्लिश हुआ था, 1780 में, कब पब्लिश हुआ था, 1780 में। उसी टाइम के कुछ एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है आपके न्यूज़पेपर है जो कई बार पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है इंडियन मिरर, क्या पूछा जाता है, इंडियन मिरर, ठीक है। तो इंडियन मिरर जो है वो कब इस हुआ था, 1862 में, और किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन थे इसके फाउंडर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये न्यूज़पेपर की बात चल रही है, ठीक है, इंडियन मिरर वाज अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1862। फिर आता है केसरी, केसरी, ठीक है, ये आपको पता है, केसरी और मराठा दो आए थे ना 1861 में, ठीक है, और ये मराठी में था, लैंग्वेज क्या थी इसकी, मराठी लैंग्वेज। और किसने किया था, आपके बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, केसरी और मराठा दोनों इन्होंने किए थे। एक आता है आपका इंडियन ओपिनियन, कौन सा आता है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। सो इंडियन ओपिनियन जो है ये कब एस्टैब्लिश फाउंड हुआ था, पब्लिश हुआ था 1903 में, और किसने किया था, एम के गांधी, एम के गांधी और, ठीक है, ये यहाँ नहीं किया था, ये भी आपको बताना चाहिए, साउथ अफ्रीका का था, ठीक है। इसके अलावा जो है एक आता है कॉमरेड, कौन सा आता है, कॉमरेड, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, और ये कब हुआ था, 1911 में, ठीक है। सो और एक आता है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजा राममोहन राय का है, संवाद कौमुदी। तो ये कौन थे, राजा राममोहन राय, राममोहन रॉय, ठीक है। और ये कब किया था, ये था 1819 में। क्लियर। सो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, 1607,
1757, 1857, 1807, तो सभी को पता है बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने लीड किया था? रॉबर्ट क्लाइव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था, ठीक है। और साइड में कौन था? सिराजु दौला। कौन थे? सिराजु दौला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, उसका भी कई बार लीड पूछा जाता है कि लीड किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो लीड किया था आपके हेक्टर मुंडो ने। किसने लीड किया था? हेक्टर मुंडो ने, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1757 और यहां से जो है 1764 के युद्ध के बाद जो है इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो है दीवानी टैक्स राइट इनको मिल गए थे। उड़ीसा का क्या मिल गया था? टैक्स राइट, जिसे क्या बोला जाता है? दीवानी। क्या बोला जाता है? दीवानी राइट, ठीक है, ये मिल गए थे। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट सुभाष चंद्र बोस रिवैम्प्ड द इंडियन नेशनल, इन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, नेवी बनाई थी, डिफेंस बनाई थी, एयरफोर्स, तो सभी को पता है इंडियन नेशनल आर्मी INA, ठीक है, बनाई नहीं थी, इन्होंने रिवैम्प किया था। मैंने बताया था ना इनकी फोर फोर्सेस थी, ये सारा का सारा मैंने आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कराया था। INA को जो है मोहन सिंह ने बनाया था, ठीक है। रासबिहारी बोस इसके पहले जो है वो बने थे चेयरमैन, और फिर जो है सिंगर बात की जाएगी तो फिर कौन चेयरमैन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। तो जब ये इनके सुभाष चंद्र बोस इनके चेयरमैन बने थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको क्या किया था, इनकी फोर फोर्सेस बनाई थी INA की, देश को आजाद कराने के लिए, जिसमें नेहरू का नाम था, ठीक है, आपके सुभाष का नाम था, और आपकी झांसी का नाम था, ठीक है, जो की एक विमेन वो थी आपकी। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको क्लियर करी थी अपनी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाले पॉइंट में। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देख लेना, वो आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। That is very important video. कौन सी है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कौन सी है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। गांधीयन एरा के नाम से भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि बेसिकली मैंने उसमें गांधी जी की बात की हुई है सारी की सारी, ठीक है, या फिर आपको गांधीयन एरा के नाम से मिल जाएगी, गांधीयन एरा, इस नाम से आपको ये मिल जाएगी, आप देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा 3 से 4 वीडियोज हैं ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, द ओनली वॉइसराय टू बी असैसिनेटेड, असैसिनेटेड होता है, पहली बात आपको बताना चाहिए, वन वर्ड है, मर्डर्ड बाय एनीथिंग एनीवन, जब किसी का, किसी किंग या का, मर्डर्ड ऑफ अ किंग या क्वीन, जब किसी भी राजा या रानी का, मतलब कोई हाई अथॉरिटी पर्सन का जब मर्डर कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? असैसिनेटेड। तो आपसे पूछा है कि कौन से वायसराय का असैसिनेट किया गया, हार्डिंग, नोटबुक, एलन ब्रॉक या लॉर्ड मायो। तो देखिए किसका किया गया था? लॉर्ड मायो। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मायो जो है फोर्थ वायसराय ऑफ इंडिया थे। क्या थे? फोर्थ वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कब से कब तक रहे हैं? ये रहे हैं 12 जनवरी से लेकर 1869 से लेकर 8 फेब 1872 तक, ठीक है। और ये ही फर्स्ट एंड ओनली वायसराय थे जिनका जो है, ओनली वायसराय थे जिनका जो है एसिसिनेशन किया गया, यानी मर्डर कर दिया गया, एसिसिनेशन, मर्डर किया। और ये एसिसिनेशन किया किसने था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी ने किया था। और कहां किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, शेर अली अफरीदी ने कहां किया था? पोर्ट ब्लेयर। कहां किया था? पोर्ट ब्लेयर। क्लियर? तो ये सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बातें हैं। असैसिनेटेड का मतलब पता होना चाहिए, लॉर्ड मायो फोर्थ वायसराय थे 69 से लेकर 72 तक के बीच में थे। यही इकलौते एक ऐसे वायसराय हैं जिनका असैसिनेशन किया किसने किया, शेर अली अफरीदी ने कहां किया? पोर्ट ब्लेयर में। शेर अली अफरीदी ने कहां किया? पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर? तो ये हमारी आज की क्लास थी, हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, जिसमें आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा मेरी जो है वीडियो का जो टाइमिंग रहता है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, मेरी वीडियो की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, 7 बजे, 2 बजे, 10 बजे, ये नाइट में है और ये नून में है, ठीक है। और ये तो मेरा सॉरी नाइट में नून में नहीं, मॉर्निंग में है, ठीक है। और ये मेरा नून में है जो कि लाइव सेशन होता है। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये हमारा थ्योरी चल रहा है जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, एंशियंट हिस्ट्री, इसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है, और यहाँ हम MCQ ले रहे हैं। तो आप प्लीज ये तीनों वीडियोज देखिए, इससे आपका जो है एक अल्टीमेट जो गोल है, कौन सा आपका अल्टीमेट गोल है,
एनटीपीसी ये काफी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, हम फिर से मिलेंगे फिर नई एनर्जी के साथ, फिर नए जोश के साथ। टिल देन यू बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।